अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक, इन योर टुडेज वीडियो ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश वी आर गोइंग टू रिव्यू द एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर का जो नाम है वो है किंग फैसल। तो बढ़ते हैं स्टेटमेंट्स की जानिब और देखते हैं कि आपको स्टेटमेंट्स क्या क्या दी गई हैं और फिर उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट नंबर वन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन इज किंग फैसल वॉज बॉर्न इन द ईयर। किंग फैसल की बर्थ ईयर पूछी गई है इस स्टेटमेंट में। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर 1907, 1909, 1906, none of these. So which one is the correct year of his birth? So the correct answer is option A, यानी के 1907. आगे बढ़ते हैं। Next statement is King Faisal received religious education from his. King Faisal ने अपनी जो भी मज़हबी तालीम हासिल की वो अपने किन से हासिल की। ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं यहाँ पर वो हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा से, मैटर्नल ग्रैंडफादर यानी के नाना से, फादर मदर या अपने वालिद से या अपनी वालदा से। तो उन्होंने अपनी रिलीजियस एजुकेशन किस पर्सन से हासिल की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी के मैटर्नल ग्रैंडफादर, उन्होंने अपने नाना से तालीम हासिल की। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एट द एज ऑफ 20, जब 20 साल के थे किंग फैसल, सो ही वॉज मेड, तो उन्हें क्या बना दिया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं गवर्नर ऑफ हिजाज, प्रेसिडेंट ऑफ हिजाज, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिजाज, नन ऑफ दीज। तो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर क्या है, 20 साल की उम्र में किंग फैसल क्या बने थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी गवर्नर ऑफ हिजाज। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आफ्टर बीइंग गवर्नर ऑफ हिजाज फैसल सर्व्ड एज द सऊदी। कह रहे हैं कि गवर्नर ऑफ हिजाज जब वो बन गए थे उसके बाद उन्होंने क्या काम किया अपने मुल्क के लिए, क्या बने थे वो। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर, किंग, फॉरेन मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। तो गवर्नर ऑफ हिजाज के बाद इन्होंने जो सर्व किया था वो एज सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर काम किया था, यानी ऑप्शन सी आपके पास इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, किंग फैसल वॉज मेड द क्राउन प्रिंस इन प्राइम मिनिस्टर। इन किंग फैसल ने ये दो पोस्ट यानी कि क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर की किस ईयर में एक्सेप्ट की थी, कब बने थे ये दोनों। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर 1956, 1958, 1962, none of these. तो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर क्या है, सो ही वॉज मेड द क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर 1958, क्योंकि 1960 में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, एंड लेटर इन 1962 ही वॉज अगेन ज्वाइंट, ही वॉज अगेन एक्सेप्टेड दैट पोस्ट, और फिर 1964 में वो किंग बना दिए गए थे। शाह जी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिरे तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेरे निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मजाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले
आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेज एट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेज एट ब्रांच से राब्ता करें। King Faisal was a good dash and led a simple life. King Faisal एक किस तरीके की ज़िंदगी गुजारते थे, एक अच्छे क्या थे और किस तरह की सादा ज़िंदगी गुजारते थे। तो ऑप्शंस जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं इस स्टेटमेंट के लिए वो हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, नन ऑफ दीज। तो किंग फैसल एक अच्छे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ही वॉज अ गुड मुस्लिम। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द ग्रेट किंग डाइड इन एन असॉल्ट बाय हिज विकेड नेफ्यू। ऑन किंग फैसल को कत्ल कर दिया गया था जो कि उनके अपने भतीजे ने किया था, तो वो किस दिन किया था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे डेट्स दी गई हैं वो हैं ऑप्शन ए 30th मार्च 1975, 27th मार्च 1975, 25th मार्च 1975 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, यानी कि 25th मार्च 1975। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सऊदी अरबिया इज। ऑप्शन से यहाँ पर शुगर, सॉल्ट, मिनरल ऑयल, नन ऑफ दीज। तो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी के मिनरल ऑयल। स्टेटमेंट, व्हाट डिड किंग फैसल ओपन वेयर एजुकेशन वाज फ्री फॉर ऑल। किंग फैसल ने क्या चीज़ खोली थी जिसमें एजुकेशन, तालीम सबको बिल्कुल मुफ्त दी जाती थी? ऑप्शन से यहाँ पे स्कूल्स, शॉप्स, ऑफिसेस, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी चीज़ थी जहाँ पे तालीम बिल्कुल फ्री थी? सो इट्स ऑप्शन ए, यानी के स्कूल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ईस्ट पाकिस्तान इज नाउ कॉल्ड। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान जो के कहलाता है अब बांग्लादेश। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, किंग फैसल वॉज एन इक्वल पार्टनर विद पाकिस्तान इन होल्डिंग द इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस इन 1974-8। किंग फैसल एक इक्वल पार्टनर बनकर रहे पाकिस्तान के साथ जब इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी 1974 में। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, आपने इसका करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो हैं ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी मींस लाहौर। के एस ए स्टैंड्स फॉर, के एस ए की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, किंग ऑफ सऊदी अरबिया, नाइट्स ऑफ सऊदी अरबिया या नन ऑफ दीज। तो के एस ए की फुल फॉर्म क्या है? इट्स ऑप्शन ए, यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो जो भी सऊदी अरबिया है उसका पूरा नाम जो है वो है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर किंग फैसल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चलते अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।